हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं नागा चैतन्य और साई पल्लवी स्टारर फिल्म लव स्टोरी के 6 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और आप लोग बताएंगे कि नागा चैतन्य और साई पल्लवी की फिल्म लव स्टोरी मूवी अपने आज ही दिन कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहे पूरा वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं नागा चैतन्य की मूवी लव स्टोरी के बारे में। तो आप लोगों को बताया चले कि ये एक जो कि रोमांटिक मूवी है, जो कि बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है। नागा चैतन्य की सबसे बड़ी फिल्म हिट हुई है यही वाली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि लव स्टोरी मूवी जो कि उनकी जिंदगी की पहली ऐसी बड़ी फिल्म साबित हुई है, जो कि बहुत ही बम्पर तरीके से ओपनिंग ली है अपने पहले ही दिन। इससे पहले आप लोगों को बताया चले कि लव स्टोरी में आप लोगों को नजर आएंगे नागा चैतन्य के साथ साई पल्लवी और वहीं अक्की नैनी और ऐश्वर्या राय भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं नागा चैतन्य की फिल्म लव स्टोरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को बताया चले कि 25 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई फिल्म, जो कि बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार है। जो कि इस फिल्म को निर्देश किया है शेखर कमूला ने, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे सीन और बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक सीन आप लोगों को लव स्टोरी मूवी में दिखाए जाएंगे। और साथ ही साथ साई पल्लवी और नागा चैतन्य का धमाकेदार डांस आप लोगों को देखने को मिलेगा लव स्टोरी मूवी में। वहीं बात कर लेते हैं इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को बताया चले कि इस मूवी ने बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से कारोबार किया था और अपने पहले ही दिन 9 करोड़ 5 लाख का कारोबार किया था इस फिल्म ने। वहीं इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 5 करोड़ रुपया कारोबार किया था। आप लोग बताए चले कि इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ 50 लाख का कारोबार कर लिया। बात कर लेते हैं आज के दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोग बताए चले कि आज के दिन साई पल्लवी और नागा चैतन्य स्टारर फिल्म जो कि 3 लाख का कारोबार कर रही है अपने बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आज के दिन 3 लाख का कारोबार कर पाएगी कि नहीं अपने बॉक्स ऑफिस पर? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने यह मूवी देखी है तो आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी हमें ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।